मित्रों, एक वन में एक ऋषि रहा करते थे। उनके आश्रम में बहुत दिनों से एक चूहा भी रहा करता था। यह चूहा ऋषि से बहुत प्रेम करता था। जब वे तपस्या में मग्न होते थे तो बड़े ही आनंद से उनके पास आकर बैठ जाता और भजन सुनता, यहाँ तक कि वह स्वयं भी ईश्वर की उपासना करने लगा था। लेकिन कुत्ते, बिल्ली, चील, कौवे आदि से वो बहुत डरा और सहमा सहमा रहता था। एक बार ऋषि के मन में उस चूहे के प्रति बहुत दया आई। वे सोचने लगे, ये बेचारा चूहा हर समय डरा और सहमा सा रहता है, क्यों न मैं इसे शेर बना देता हूँ ताकि इस बेचारे का डर हमेशा समाप्त हो जाए और ये बेधड़क होकर हर स्थान में घूम सके। ऋषि बहुत दयालु थे और देवी शक्ति के स्वामी भी थे। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर उस चूहे को शेर बना दिया और सोचने लगे कि अब यह चूहा किसी भी जानवर से नहीं डरेगा और निर्भय होकर पूरे जंगल में घूम सकेगा। लेकिन चूहे से शेर बनते ही चूहे की सारी सोच बदल गई। वह सारे वन में बेधड़क घूमता, उससे अब सारे जानवर डरने लगे और उसे प्रणाम करने लगे, उसकी जय जयकार होने लगी। किंतु ऋषि ये बात जानते थे कि वह एक मात्र चूहा है, वास्तव में शेर नहीं है। अतः ऋषि उसे चूहा समझकर ही व्यवहार करते थे। ये बात चूहे को पसंद नहीं आई कि कोई उसे चूहा समझकर व्यवहार करे। वह सोचने लगा कि ऐसे में तो दूसरे जानवरों पर भी बुरा असर पड़ेगा। लोग उसका जितना मान करते हैं उससे अधिक घृणा करेंगे और उसका अनादर करना आरंभ कर देंगे। चूहे ने सोचा कि क्यों ना मैं इस ऋषि को ही मार डालूंगा, फिर ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये सोचकर ऋषि को मारने के लिए वह चल पड़ा। ऋषि ने जैसे ही देखा कि क्रोध से भरे शेर को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसके मन की बात समझ गए। उनको शेर पर बड़ा गुस्सा आया। अतः उसका घमंड तोड़ने के लिए ऋषि ने अपनी देवी शक्ति से उसे एक बार फिर चूहा बना दिया। मित्रों, हमें कभी भी अपने हितैषी का अहित नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने भी बलशाली क्यों ना हो जाएं। हमें उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया हो। इसके अलावा हमें अपने बीते वक्त को भी नहीं भूलना चाहिए। चूहा यदि अपनी असलियत याद रखता तो फिर उसे चूहा नहीं बनना पड़ता। बीता हुआ समय हमें घमंड से बाहर निकालता है।